class 6 and welcome back in your video lecture session. Today in this lecture we are going to read our unit number 5 of Oxford Modern English. So jaldi se sab bache apni book nikalenge English ki aur page number 51 nikalenge. Unit number 5 hai the toy box, yani ke khilono ka dabba. To isko read karne se pehle hum aaj ki date yahan pe mention kar lenge. To aaj ki date hai hamari 8, 9 and 21. सब बच्चों ने डेट लगा ली. वेरी गुड. बिफोर स्टार्टिंग इट्स रीडिंग वी हैव सम न्यू वर्ड्स हेयर. तो इनको पहले रीड करेंगे, देखते हैं कि इनको प्रनाउंस किस तरह करते हैं और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं. ठीक है, चले. फर्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू, एडजॉइनिंग, साथ साथ. जब कोई चीज़ मौजूद होती है उसके लिए हम एडजेसेंट का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे एक गली होती है ना, घर साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसके लिए हम एडजेसेंट का वर्ड यूज़ करते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ कोल बंकर. कोल बंकर का मतलब होता है अ स्टोरेज एरिया ऑफ कोल. कोल कहते हैं कोयला. कोयले को जमा करने की जो जगह होती है उसको हम कोल बंकर बोलेंगे. ठीक है, कोल मतलब कोयला. डैम्प प्रूफ्ड. डैम्प का मतलब होता है नमी, मॉइस्चर. बास का तो आपने देखा जब बरसात का महीना होता है तो हवा में ना एक नमी होती है. आप कोई भी चीज़ रखते हो तो आप जब उसको फील करो तो वो आपको गीली गीली सी महसूस होती है. तो डैम्प का मतलब वो होता है. प्रूफ मतलब बगैर नमी के, इसका मतलब है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर. नमी को दूर रखने की जो हिफाजती इकदाम होते हैं उसको हम डैम्प प्रूफ बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव मीन रिमार्केबल, शानदार. मेक अ स्ट्रॉन्ग, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना. फेवरेबल इफेक्ट, बहुत अच्छा तासुर किसी चीज़ का आना. ठीक है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप कहते हैं ना, या आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है उसका टॉकिंग स्टाइल, तो आप कहते हैं ही इज़ एन इम्प्रेसिव टॉकिंग स्टाइल, कि उसका बात करने का तरीका बहुत मुतासर कुन है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मूडीनेस. मूडीनेस सॉरी इनटॉलरेबल. इंटॉलरेबल का मतलब होता है अनबियरेबल, नाकाबले बर्दाश्त, जिस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. इम्पॉसिबल टू एंड्योर, हज़म करना जो मुश्किल होता है, यानी जो बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती. ठीक है, उसके लिए हम इंटॉलरेबल का वर्ड, यानी हिज बिहेवियर इज़ इंटॉलरेबल, कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत नाकाबले बर्दाश्त है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मूडीनेस. मूडीनेस मीन गिविंग टू फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मूड. सल्की, एक ऐसा पर्सन जिसके मूड जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो शिफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो उसके लिए हम मूडीनेस का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रॉस्पेक्ट. प्रॉस्पेक्ट मीन एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें. अ विजन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई चीज़ सोच लेना कि ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है, कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसी चीज़ हासिल करना चाहता हूँ. ठीक है, तो वो आपका विजन, वो आपका ख्याल, सोच है आपकी फ्यूचर से रिलेटेड. नेक्स्ट इज़ स्केयर्डी कैट. स्केयर्डी का मतलब होता है डरने वाली, कैट बिल्ली. तो स्टूडेंट बेसिकली ये कह लें एक ईडियम है स्केयर्डी कैट, यानी कि डरने वाला इंसान, यानी जिसको बहुत जल्दी डर लग जाता है, बहुत जल्दी जो है वो खौफजदा हो जाता है. ठीक है, समवन हु इज़ ईजली फ्राइटन, ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी डराया जा सकता है, वो बहुत जल्दी डर जाता है, उस पर्सन के लिए हम स्केयर्डी कैट का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ शडर. शडर मीन शिवर्ड, कांपना, एज फ्रॉम फियर, या फिर डर से कांपना, सर्दी से कांपना. ठीक है, उसके लिए हम शडर का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ विविड. विविड का मतलब है प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक इमेजेस, जिंदगी हो ऐसी तस्वीरों में, उसके लिए हम विविड, यानी वास्ट, कलरफुल, फ्रेश, तरोताज़ा, रंग से भरी हुई, फुल ऑफ लाइफ के लिए हम विविड का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वेल मैनीक्योर्ड. वेल मैनीक्योर्ड, वेल मतलब बहुत अच्छा, नीटली मैनीक्योर्ड, साफ किया हुआ, तराशा हुआ. नीटली ट्रिम्ड, सफाई के साथ तराशा हुआ, जैसे हम नेल काटते हैं ना अपने, इट्स मीन आवर नेल्स आर वेल मैनीक्योर्ड. अच्छा जी, लास्ट वर्ड इज़ थ्री आयरन. थ्री आयरन का मतलब है अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब, जैसे गोल्फ खेलें, गोल्फ जो स्टूडेंट एक स्पोर्ट है जैसे क्रिकेट, हॉकी वगैरह है ना, यानी कि गोल्फ क्लब की तरह की एक जगह होती है जिसको थ्री आयरन बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब हम अपने यूनिट की रीडिंग की तरफ आते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज नंबर 51. Don't look, said father as he eased the car into a lower gate. जैसे ही फादर ने, यानी कि बाबा ने गाड़ी को नीचे वाले गियर की तरफ लगाया, उन्होंने बोला डोंट लुक, मत देखो. ही एंड मदर्ड इन द फ्रंट, मतलब मामा और पापा आगे बैठे हुए थे, मैटिल्डा एंड आई इन द बैक, मैं और मैटिल्डा पीछे बैठे हुए थे. यानी कि यहाँ पे फोर करेक्टर्स हैं, एक है बॉय जो अपनी स्टोरी बता रहा है, एक उसकी सिस्टर है मैटिल्डा और उसके फादर और मदर हैं. ठीक है, द टायर मेड अ प्लीजिंग क्रंच एट द एट दे पास्ट
ओवर द ग्रेवल. जैसे ही गाड़ी के टायर जो थे वो बजरी के ऊपर से, बजरी आपको पता है ना, छोटे छोटे स्टोन के पीसीज होते हैं जो कि कोई भी अगर चीज़ बिल्ड की जा रही होती है तमीरी काम में इस्तेमाल होती है, ठीक है. जैसे ही टायर जो थे वो बजरी के ऊपर से गुजरे तो क्रंच की आवाज़ आई जैसे कि आती होती है, ठीक है. फादर ड्रॉव स्टेडिली, फादर ने यानी कि बाबा ने बहुत एहतियात से ध्यान से गाड़ी चलाई, trying not to scatter the stone over the well manicured lawn on either side of the narrow drive. कि वो ड्राइव करते हुए जो इधर उधर खूबसूरत सा अच्छे तरीके से तराशा हुआ जो बाग है उसमें ना वो बिखर जाएँ. क्या ना बिखर जाएँ? जो बजरी के छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है. I want you both to shut your eyes. मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी आँखें बंद कर लें. And only open them, और सिर्फ तभी खोलें, when I tell you, said father. जब मैं आपको खोलने के लिए कहूँ, फादर ने कहा या बाबा ने कहा. Although we were excited at the prospect of seeing our new house, हम दोनों जो थे वो अपना नया घर देखने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, खुश थे. We did as we were instructed, और हमने वैसा ही किया जैसा हमें करने के लिए कहा गया था, जैसे हमें करने की हदायत दी गई थी. Mother had told us, अम्मी ने हमें बताया, the week before that, एक हफ्ता पहले, that suitable accommodation had been found and that we would be moving in today, कि एक बहुत मुनासिब सी रिहाइश हमें मिल गई है और हम आज उसमें जा रहे हैं, उसमें रहने के लिए. accommodation का मतलब होता है रिहाइश, जगह, ठीक है. father had said later, बाबा ने बहुत कम जो है वो बोला, यानी ज़्यादा मदर बोल रही थी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वो बॉय है मटिल्डा, फादर एंड मदर, और ये उनका हाउस है जहाँ पे वो शिफ्ट हुए, ठीक है. अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर है 52. अच्छा जी, यू विल सी व्हेन वी गेट देयर, ही सेड इन आंसर टू आवर क्वेश्चन. हमारे सवालात के जवाब पे उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जब हम वहाँ चले जाएँ तो तुम्हें पता चल जाएगा, तब आप देख लेना, ठीक है. ये फादर की बात हो रही है. द पैकर्स हैड बीन बिजी ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, इट हैड बीन फन लिविंग विद बॉक्सेस एवरीवेयर. वो कहते हैं पैकर्स यानी सामान बांधने वालों ने पिछले हफ्ते जो थे वो सामान बांध लिया और बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम एक ऐसे घर में हैं जहाँ पर बॉक्सेस पड़े हुए हैं, क्योंकि शिफ्टिंग की एक्साइटमेंट थी ना, तो वो जब बॉक्सेस सारे पैक हो गए तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको कि हम जो है वो न्यू घर में जा रहे हैं. देन सडनली आवर मैजिकल प्ले ग्राउंड हैड बीन विस्ट अवे एंड वी वर विद अ फ्यू सूटकेस. और बहुत जल्दी हमने अपना जो जादुई प्लेग्राउंड उसको छोड़ा और हम कुछ सूटकेस के साथ वहाँ से निकल गए. द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटिल अर्लियर वर इम्प्रेसिव. वो कहते हैं बड़े गेट से हम जहाँ से गुजरे थे वो बहुत ही शानदार था, एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट, और जो बाग था या बागात थे वो बहुत ही शानदार थे. स्प्रिंग ब्लॉसम्स वर एवरीवेयर, हर तरफ बहार के फूल जो थे वो खिले हुए थे. बर्ड्स ट्विटर इन द ट्रीज एंड बीज बज्ड अबाउट द फ्लावर्स. परिंदे जो थे वो चहचहा रहे थे दरख्तों पर, और जो शहद की मक्खियाँ थी वो फूलों पर भिनभिना रही थी. बजिंग का मतलब होता है भिनभिनाना, जैसे उनके परों की आवाज़ होती है, ठीक है. बट नाउ, लेकिन अब, एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल, जैसे ही हमने बजरी के करंच होने की आवाज़ सुनी, विद आवर आईज शट, और हमारी आंखें बंद थी, द सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल. तो वो जो सस्पेंस था, ठीक है, वो क्या हुआ, नाकाबले बर्दाश्त हो गया कि आखिर हम कहाँ आ गए हैं, कौन सी जगह है, वो कैसी होगी. यू कैन ओपन योर आईज, अनाउंस द फादर एट लास्ट. आखिरकार बाबा ने कहा कि अपनी आंखें खोलो. एज द कार ग्राउंड टू द हॉल्ट, जैसे ही जो गाड़ी थी वो घर के सामने आके रुकी. वाओ, ब्यूटीफुल, सेड मटिल्डा, एज वी लुक एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे ही हमने पहली दफ़ा घर पर को देखा या घर पर नज़र पड़ी, मटिल्डा ने कहा, वाओ बहुत खूबसूरत, वाओ स्केरी, आई सेड. और मैंने कहा, वाओ कितना खौफनाक, स्केरी मीन खौफनाक, मतलब उसको वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था. The rambling mansion that stood before us seemed to the tower into the sky. घूमता हुआ घर, mansion, बंगला जो हमारी आंखों के सामने था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के ऊपर ना कोई टावर, कोई मीनार जा रहा था, यानी कि उसकी लेंथ इतना वो हाइट पे घर था, यानी इतना ऊंचा था, ठीक है. इट वॉज immense was old. वो बहुत ही ज़्यादा कह लें पुराना था. एंड टू मी, और मेरे लिए, इट्स सेम स्पूकी. स्पूकी मतलब थोड़ा अजीब सा, थोड़ा खौफनाक सा, मुझे वो ऐसा लग रहा था. यानी वो बॉय आपको बता रहा है अपना एक्सपीरियंस. देर इज़ नथिंग स्केरी अबाउट इट. इसमें घबराने वाली है, इसमें खौफनाक सी तो कोई बात नहीं है. यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हियर, सेड फादर. बाबा ने कहा कि तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा. देर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं दरियाफ्त करने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए.
आई हैवन्ट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ, मैं इसको अकेला जो है वो नहीं देख सकता, ऑब्वियसली बहुत बड़ा घर था. फादर मैटिल्डा मदर एंड मैटिल्डा वेंट स्ट्रेट इन टू द हाउस, यानी कि मम्मा बाबा और मैटिल्डा तीनों जो थे वो घर में दाखिल हो गए. बट आई लेकिन मैं अ लिटिल लेस एंथुजियास्टिक, बहुत कम खुश था. फॉर इन माई ओन टाइम उत मैंने अपना थोड़ा सा वक्त लिया, यानी वो तीनों ने अंदर जाना शुरू कर दिया लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ पर रुका और फिर चल पड़ा. आई कॉट अप विद द अदर्स इन अ स्पेशियस लिविंग रूम, और फिर मैं एक बहुत ही कुशादा बड़े कमरे में दाखिल हुआ. योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स, अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली, मम्मा ने पुरजोश तरीके से कहा कि आप लोगों का जो कमरा है वो ऊपर है, अपस्टेयर्स ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर. एंड देयर इज़ अ लार्ज रूम एट द साइड ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर पर यानी नीचे वाली मंजिल पर एक बहुत बड़ा कमरा है विच यू कैन यूज़ एज अ प्ले रूम, जो आप खेलने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि वो उस कमरे में आप खेल सकते हो. She led the way along a dark corridor, और वो अंधेरे कॉरिडोर में रास्ते में उन्होंने जाना शुरू कर दिया. एंड वी फॉलोड, और हम भी उनके पीछे चले गए. द प्ले रूम वॉज इन डीड लार्ज बट सीम्स कोल्ड एंड डैम्प, प्ले रूम वाकई बहुत बड़ा था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी थी और नमी नमी सी महसूस हो रही थी. विल हैव इट वार्म अप इन नो टाइम टॉम, सेड फादर अशोर्ड मी. फादर ने यानी कि बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि हम बहुत कम वक्त में उसको गर्म कर लेंगे, यानी कि उसको गर्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे. यानी उस बॉय का क्या नेम है जो अपना एक्सपीरियंस हमें बता रहा है, टॉम, ठीक है. नोटिसिंग दैट आई हैड शडर्ड एंड वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया फादर ने कि मैं मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ इस जगह पर आके. तो उन्होंने कहा शडर मीन शिवर्ड, कांपना. जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं कांप रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि हम इस जगह को बहुत जल्दी गर्म कर लेंगे, और ज़्यादा वजाहत की बिकॉज नो वन हैव लिव्ड हेयर फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ अरसे से इस घर में कोई नहीं रह रहा था. द हीटिंग हैज़ बीन टम्प्ड ऑफ, देयर इज़ प्लेंटी टू डिस्कवर एंड यू हैव फन फाइंडिंग आउट वेयर ऑल द रूम्स आर. तो इस वजह से हीटिंग जो है वो गर्मी का जो सारा निज़ाम है वो बंद था, तो आपको यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए, नई नई चीज़ें तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें या मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए कमरे हैं, ठीक है. एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, व्हेन वी हैड बीन थ्रू द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अपस्टेयर केसेस एंड डाउन अदर एंड इन एंड आउट ऑफ द अम्प्टीन रूम्स, वो कहते हैं एक घंटे बाद जब हमने घर को ऊपर नीचे साइड से और उसके सारे कमरों को जब देख लिया, वी रिटर्न टू द प्ले रूम, तो फिर हम एंड पे कहाँ आए, प्ले रूम के अंदर. ऑन लार्ज टॉय बॉक्स हैड बीन प्लेस्ड अगेंस्ट द फोर वॉल ऑफ द रूम, कमरे की एक दूर दीवार के साथ एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा हुआ था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉयज थे, यानी कि खिलौने थे. एंड मैटिल्डा वेंट स्ट्रेट टू इट टू अनपैक सम टॉयज, और मैटिल्डा सीधा उस डब्बे के पास गई और उसको खोलना शुरू कर दिया. शी टुक आउट बट शी नीडेड एंड देन, उसको जो चीज़ चाहिए थी उसने उसमें से निकालनी शुरू कर दी. आंसरिंग अ कॉल फ्रॉम मदर अपस्टेयर्स, और मदर की आवाज़ पर उसने जवाब दिया. एंड वेंट ऑफ टू फाइंड आउट व्हाई शी वाज बीइंग समन्ड, और ये देखने के लिए चली गई कि मदर ने उसको क्यों बुलाया है, उसे यहाँ क्यों आवाज़ दी गई है. समन्ड का मतलब होता है आवाज़ देना या पुकारना. आई स्टूड इन साइलेंस, मैं खामोशी के साथ खड़ा रहा. अलोन इन अ लार्ज रूम, उस अकेले बड़े कमरे में. इट वॉज देन आई हर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैंने वहाँ पे एक आवाज़ सुनी, अ फीबल क्राई फॉलोड बाय अ लॉन्ग मौन, एक कमज़ोर सी हल्की सी पुकार या आवाज़ मुझे आई जो कि बिल्कुल लॉन्ग मौन, मौन का मतलब होता है उदास होना या उदास भरी, उसको एक हल्की सी आवाज़ जो है वो सुनाई दी. इट सीम्स टू कम फ्रॉम द बॉक्स, ऐसा लग रहा था कि वो डब्बे से आ रही है, जो टॉय बॉक्स वहाँ पे पड़ा हुआ था ना. बट दिस वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि डब्बे के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है. तो टॉम खड़ा वहाँ पे ना सोच रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. परहैप्स अ कैट एंटर्ड द रूम, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा शायद बिल्ली जो है वो वहाँ पर मौजूद है. और इट्स माई इमेजिनेशन, या हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा वहम हो या मेरा ख्याल हो कि ऐसी कोई आवाज़ नहीं है. आई पुल्ड अ कपल ऑफ टॉयज फ्रॉम द बॉक्स, मैंने कुछ खिलौने जो थे वो डब्बे से बाहर निकाले. बट व्हेन आई हर्ड द क्राई अगेन, लेकिन मैंने जब दोबारा वो आवाज़ सुनी, आई स्क्रीम्ड, तो मैं एकदम से खौफ के मारे, मतलब मैंने अपने आप को झंझोड़ा या मैं थोड़ा सा कांपा या डरा. ड्रॉप द टॉय ट्रक मेरे आई हैड बीन होल्डिंग एंड फ्लेड, जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था वो ट्रक वाला खिलौना मेरे हाथ से नीचे गिरा और मैं वहाँ से निकल गया. आई फाउंड मैटिल्डा एंड मदर अपस्टेयर्स इन माई बेडरूम, मैंने देखा कि
मम्मा और मटिल्डा मेरे बेडरूम में खड़ी हैं. माई सूटकेस एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग क्लॉथ्स मोर टॉयज एंड बुक्स वर लिंग ऑन द फ्लोर बिसाइड द बेड. और मैंने देखा कि बेड की साइड पर जो बॉक्सेस मेरे पड़े हुए थे वो सूटकेस पड़े हुए थे उनको खोलना शुरू कर दिया था. कुछ खिलौने बुक्स और कपड़े जो थे वो फर्श पर पड़े हुए थे. मदर वाज अनपैकिंग अ स्मॉलर केस ऑन द बेड और मम्मा ने छोटा जो सूटकेस था वो बेड पर खोला हुआ था. आई बिगेन टू हेल्प हर पुट अवे सम ऑफ माई क्लॉथ इन अ लार्ज कबर्ड दैट वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट वन वॉल. और एक दीवार के साथ जो बड़ी सी अलमारी थी मैंने अपनी मदर की हेल्प की कपड़ों को अंदर रखने में. आई पॉज्ड बाय अ विंडो टू लुक एट द गार्डन आउटसाइड. फिर मैंने थोड़ा वक्फा लिया और बाहर जो खिड़की एक खुलती थी गार्डन में मैं उस खिड़की से बाहर गार्डन को देखने लग गया. इट वॉज ब्राइट एंड वार्म. बहुत ज़्यादा गर्मी और रोशन मौसम था एंड एवरी थिंग लुक्ड ग्रीन एंड फ्रेश. और हर चीज़ बड़ी सरसब्ज़ शादाब और फ्रेश तरोताज़ा लग रही थी. आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर. मैं बाहर जाना चाहता था नॉट इन दिस डार्क हाउस विद इट्स कोल्ड इकोइंग रूम एंड स्टेइंग साउंड. यानी कि मैं इन अजीबोगरीब आवाज़ों गूंजते हुए कमरों और सर्दी से निकल कर इस घर से कहीं बाहर जाना चाहता था. यू आर वेरी क्वाइट टॉम सेड मदर. मदर ने टॉम को कहा कि तुम बहुत खामोश लग रहे हो. इज समथिंग द मैटर. क्या कोई मसला है. आई डोंट लाइक इट हेयर आई म्यूटेड. मैंने मुँह में बड़बड़ाया कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी. वाई आई वर नॉट आस्क मदर कमिंग ओवर टू जॉइन मी बाय द विंडो. मैं विंडो के साथ खड़ा वो मेरे साथ आके खड़ी हो गई. उन्होंने पूछा कि क्या कोई मसला है क्यों नहीं मतलब तुम यहाँ पर रहना चाह रहे. इट्स कोल्ड एंड स्पूकी आई रिप्लाइड. कि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ड्राउनी सी जगह है ये. And I don't like the noises it makes. और यहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं. Noises? Asked mother astonished. हैरान होते हुए उसकी मदर ने पूछा आवाज़ें शोर. What noises? किस तरह का शोर. I heard some noises morning coming out from our toy box. I replied. मैंने जवाब दिया कि वो शोर वो आवाज़ें या वो चीखें जो मेरे खिलौने वाले डब्बे से आ रही हैं. डोंट बी सीली सैड मदर. मदर ने कहा कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो या पागल ना बनो. कम लेट्स गो डाउन एंड लिसन. चलो मेरे साथ नीचे आओ और सुनते हैं. डोंट बी सच अ स्केडी कैट. एक जल्दी डर जाने वाले इंसान ना बनो. मैटिल्डा विल कम टू. मैटिल्डा भी आएगी एंड आई विल गेट डैड टू इफ़ यू इंसिस्ट. और अगर तुम जोर तो मैं तुम्हारे डैड को भी वहाँ लेकर जाती हूँ. यानी जब उसने अपनी मदर से जिक्र किया कि इस तरह मुझे वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं तो मदर ने कहा चलो मैं इन सबको लेकर वहाँ नीचे जाती हूँ और हम आवाज़ें सुनते हैं. तो क्लासिक्स यहाँ तक हमने आज रीडिंग करनी थी. आज आप डेट यहाँ पे मेंशन कर लें. आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है सारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स के साथ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.